आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रोनाउन का दूसरा पार्ट। जो मैंने आपको प्रोनाउन का पहला पार्ट दिया था वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें कि मैंने प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं उनको मैंने आपको समझाया था। और मैंने उस वीडियो में आप लोगों को कहा था कि अब जो नेक्स्ट वीडियोस मैं दूंगा उसमें जितने भी प्रोनाउन के टाइप्स हैं उनके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। तो आज उसी क्रम में प्रोनाउन से रिलेटेड ये दूसरा मेरा वीडियो है, इसलिए मैंने ऊपर लिखा भी है प्रोनाउन पार्ट टू। अब इसमें मैं आपको प्रोनाउन का पहला प्रकार पर्सनल प्रोनाउन आज डिटेल में पढ़ूंगा। पर्सनल प्रोनाउन अगर हम इसको डिफाइन करें तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं इट डिनोट्स पर्संस इन कन्वर्सेशन। पर्सनल प्रोनाउन जो है यह वो प्रोनाउन होता है जिसमें कि व्यक्ति जो हैं वो आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं, और हिंदी में इसको पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अब पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई। ये टेबल आपको बहुत फायदेमंद रहेगी और बड़ी आसानी के साथ आप इस पर्सनल प्रोनाउन को आसानी के साथ समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा आपके सामने पर्सन, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और नंबर। अब पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसमें कुल तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपके दो प्रोनाउन आते हैं, पहला प्रोनाउन है आई और दूसरा प्रोनाउन है बी। सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस के रूप में आता है आपका यू, और थर्ड पर्सन के रूप में आते हैं ही, शी, इट और दे। अगर हम बात करें तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो वही बी का ऑब्जेक्ट होता है अस। आई का पोजेसिव होता है माई, तो बी का पोजेसिव होता है अवर। अब सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन में जैसा कि आप देख रहे हैं सिर्फ एक प्रोनाउन आता है यू, तो यू का ऑब्जेक्ट होता है यू और यू का पोजेसिव होता है योर। फिर आपका आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन में आपके चार प्रोनाउन होते हैं ही, शी, इट और दे। ही की बात करें तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम और ही का पोजेसिव केस होता है हिज। इसी प्रकार से शी, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और पोजेसिव केस भी हर होता है। फिर आता है इट। इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट और इट का पोजेसिव केस होता है इट्स। फिर आता है आपका दे। दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम और दे का पोजेसिव केस होता है देयर। अब हम ये देख लेते हैं इनमें कौन से प्रोनाउन सिंगुलर हैं और कौन कौन से प्रोनाउन प्लूरल हैं। अगर हम आई और बी की बात करें तो आई और बी यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो हमारा प्लूरल होता है, प्लूरल यानी कि बहुवचन। अगर हम यू की बात करें जो कि हमारा सेकंड पर्सन है तो यू भी हमारा क्या है, प्लूरल है। उसके बाद थर्ड पर्सन में ही, शी और इट, ही, शी और इट ये तीनों आपके होते हैं सिंगुलर। ही, शी और इट ये तीनों प्रोनाउन आपके होते हैं सिंगुलर। और आपका चौथा प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन का दे, दे जो होता है वो होता है हमारा प्लूरल। अब इसमें मैं आपको एक और चीज समझाऊंगा। आई हिंदी में मैं, बी हम, यू तुम या आप। अब शब्द आया ही। प्रोनाउन ही का यूज आपको कहां करना है, प्रोनाउन ही अगर किसी पुरुष की जगह आपको प्रोनाउन लगाना है सिंगुलर में तो आप लगाएंगे ही। इसी प्रकार से अगर किसी स्त्री के लिए आपको प्रोनाउन लगाना है सिंगुलर में तो आप लगाएंगे शी। और अगर स्त्री और पुरुष या नॉन लिविंग थिंग्स एक से ज्यादा हैं तो आप प्रोनाउन लगाएंगे दे, और नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है आपका प्रोनाउन इट सिंगुलर। ठीक है, तो आप इस टेबल को जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका आरंभ होता है पर्सनल प्रोनाउन में ही जो हमारे एरर्स होते हैं
जो मिस्टेक्स होती हैं उन मिस्टेक्स को, उन एरर्स को कैसे सुधारा जाए, उससे रिलेटेड मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स आपको दे रहा हूँ। जैसे कि रूल नंबर 1 आपके सामने लिखा है, पर्सनल प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम पर्सन नंबर जेंडर एंड केस एज द नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स। अर्थात पर्सनल प्रोनाउन जिस नाउन के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो उस नाउन का जो पर्सन होगा, जो नंबर, जो जेंडर या जो केस होगा, उसकी जगह जो प्रोनाउन आएगा उसका भी पर्सन, नंबर, जेंडर तथा केस वही होना चाहिए। अब एग्जांपल से आप इस बात को समझिए। जैसे कि लिखा है, राम इज ए गुड बॉय, ही ओबेज हर सिस्टर। अब राम हमारा पुल्लिंग, जेंडर क्या है, पुल्लिंग है, मैस्कुलाइन है, तो राम इज ए गुड बॉय। अब हमने आपको जेंडर भी पढ़ाए हैं, तो जेंडर में राम का प्रोनाउन क्या हो रहा, ही, बिल्कुल सही लगा है। लेकिन अभी मैंने जो टेबल बनवाई थी तो ही का पोजेसिव क्या होता है, हिज। अगर यहाँ हिज लगा होता तो ये सेंटेंस हमारा सही होता, लेकिन चूंकि यहाँ मैंने हर लिखा है तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि जेंडर डिफरेंट हो जाएगा और ही के साथ उसका पोजेसिव आना चाहिए हिज, तो इसलिए ही ओबेज हिज सिस्टर, ये नीचे वाला सेंटेंस हमारा दूसरा सही है। अब इसी क्रम में रूल नंबर 2, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउंस आर जॉइंड बाय एंड, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउंस को एंड से जोड़ा गया हो, एंड रेफर टू डिफरेंट पर्सन और थिंग्स, और वे दोनों नाउन अलग अलग व्यक्ति या अलग अलग वस्तुओं को संबोधित कर रहे हों, तो उस स्थिति में प्रोनाउन जो है उनके लिए काय में जाएगा, प्लूरल नंबर में जाएगा। जैसे कि लिखा है, बोथ राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट, दोनों ही राम और श्याम कहां गए, मार्केट। तो यहां कितने सिंगुलर नाउन हो गए हमारे, दो, और काय से जुड़े हुए हैं, एंड से। फिर लिखा है, ही हैड टू परचेज क्लोथ, काय के लिए गए भाई, कपड़े खरीदने के लिए, तो यहां मैंने ही लगाया, राम मैस्कुलाइन है, ही ठीक है, श्याम भी मैस्कुलाइन है, ठीक है ही। लेकिन यहां दो हमारे अलग अलग सिंगुलर नाउन है जो कि दो अलग अलग पर्सन को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए हमारा इस वाक्य में ही ना आकर क्या आएगा, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन आएगा, और राम और श्याम दोनों के लिए प्लूरल प्रोनाउन क्या होना चाहिए, दे, इसलिए ही का प्रयोग यहाँ गलत है, यह सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा और हमें क्या लगाना पड़ेगा, दे। अब आता है आपका रूल नंबर 3, लिखा है, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउंस आर जॉइंड बाई एंड but they refer to one person or thing, the pronoun used for them is in singular. Means, जब दो या दो से अधिक singular nouns end से जोड़कर लिखे गए हों, लेकिन वे किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु को संबोधित कर रहे हों, refer कर रहे हों, तो उनके लिए use होने वाला pronoun singular number में ही आएगा। अब जैसे कि एग्जांपल आपके सामने लिखा है, मैंने लिखा था, टीचर एंड राइटर वाज अवार्डेड फॉर देयर सर्विस, द टीचर एंड राइटर वाज अवार्डेड फॉर देयर सर्विस। अब यहां सिंगुलर नाउन हमारे दो हैं, एक टीचर है और दूसरा राइटर है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और प्रोनाउन के रूप में हमारा देयर शब्द लगा हुआ है, प्रोनाउन देयर लगा। मैंने कहा जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन वे एक ही व्यक्ति या वस्तु को रेफर कर रहे हों तो उनके लिए प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में आएगा। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि इस सेंटेंस को देखकर आप ये कैसे बता सकते हैं कि टीचर और राइटर किसी एक ही व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि नाउन को तो अलग अलग है, टीचर और राइटर एक नाउन तो है नहीं। तो इस डाउट को दूर करने के लिए एक नियम हमेशा आप ध्यान रखें कि जब किसी वाक्य में दो नाउन दिए हों, जैसा कि टीचर और राइटर दे रखा है, और उनमें से एक से पहले द आए और दूसरे से पहले द ना आए और वे दोनों एंड से जुड़कर लिखे हों, तो इसका मतलब होता है कि वे दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु को संबोधित कर रहे हैं। अगर टीचर और राइटर दोनों से पहले द आ जाता तो ये दो अलग अलग व्यक्ति हो जाते, टीचर और राइटर दोनों में से किसी से पहले तो ना आता तो भी ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हो जाते,
लेकिन चूंकि एक से पहले आया है और दूसरे से पहले नहीं, इसलिए ये एक ही व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, और चूंकि एक व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं तो हमारा प्रोनाउन क्या होगा? हिज, ना कि देयर। तो पहला सेंटेंस हमारा गलत है और दूसरा सेंटेंस हमारा सही। अब इसी क्रम में रूल नंबर 4 आता है आपका, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउंस आर जॉइंड बाय एंड, जब दो या दो से अधिक नाउंस एंड से जुड़े हों, लेकिन बिफोर देन ईच और एवरी इज यूज्ड, लेकिन उनसे पहले ईच या एवरी का यूज किया गया हो, तो उनके लिए यूज होने वाला प्रोनाउन कायम जाएगा सिंगुलर नंबर पे। समझिए फिर से, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर लिखे हों, लेकिन उनसे पहले ईच या एवरी आए, तो उस कंडीशन में आप प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में यूज करें। जैसे कि लिखा है ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट इन देयर वर्क, अब स्टूडेंट लिखा है और स्टूडेंट से पहले ईच एंड एवरी मैंने सेंटेंस में दोनों ही लिख दिए हैं, तो इस सेंटेंस में देयर की कोई गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि प्रोनाउन आपको सिंगुलर में लगाना है, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत, और नीचे मैंने लगाया है हिज, तो ये सेंटेंस हमारा सही। अब जैसा कि मैंने अभी आपको रूल नंबर 4 में बताया कि यदि दो सिंगुलर नाउंस आपके दिए हो और उनसे पहले ईच या एवरी का यूज हो, तो प्रोनाउन आपको सिंगुलर में लगाना है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अपवाद यानी एक्सेप्शन ये है, बट इफ द नाउंस आर ऑफ डिफरेंट जेंडर्स, यानी कि दो सिंगुलर नाउन दिए हो लेकिन दोनों यदि अलग अलग जेंडर्स के हों, एक मैस्कुलाइन एक फेमिनाइन, तो उस स्थिति में आप प्रोनाउन कायम यूज करेंगे प्लूरल नंबर में, चाहे भले ही ईच या एवरी आपका क्यों ना आया हो। जैसे लिखा है एवरी मैन एंड वुमेन मस्ट डू हिज ड्यूटी, अब यहां मैन एंड वुमेन दोनों डिफरेंट जेंडर हो गए, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, पहले क्या आया है एवरी, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ इस सेंटेंस में हिज का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जेंडर डिफरेंट है, और जेंडर डिफरेंट है तो हमें प्रोनाउन प्लूरल में ले जाना है, इसलिए सेंटेंस में हमें देयर का यूज करना पड़ेगा, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है और ये सेंटेंस हमारा सही होगा। अब आया रूल नंबर 5, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउंस आर जॉइंड बाय और नॉट आइदर और नाइदर नॉट द प्रोनाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर, यानी कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन either or neither nor से जुड़े हों, तो उस स्थिति में प्रोनाउन जो है वो हमारा कायम जाएगा सिंगुलर नंबर में। तो जैसे कि लिखा है राम और श्याम, राम सिंगुलर नाउन श्याम सिंगुलर नाउन, काय से जुड़ा है और से, तो इस सेंटेंस में प्रोनाउन कायम जाना चाहिए सिंगुलर नंबर में। अब मैंने यहाँ प्रोनाउन क्या लगाया है, देयर, देयर क्या है हमारा प्लूरल का प्रोनाउन, तो इस सेंटेंस में देयर नहीं आएगा, क्योंकि राम और श्याम कैसे जुड़े हैं और से, इसलिए यहाँ हिज का प्रयोग होगा, तो पहला सेंटेंस हमारा गलत और दूसरा सेंटेंस सही। अब जैसे रूल नंबर 4 में हमारा एक्सेप्शन आया था, रूल नंबर 5 में भी सेम एक्सेप्शन है, दो सिंगुलर नाउन हो, दोनों आइदर और नाइदर नॉर और या नॉट से जुड़े भी हों, लेकिन यदि जेंडर डिफरेंस है, फिर वही बात लिखी, बट इन द केस ऑफ जेंडर डिफरेंस प्रोनाउन यूज्ड इन प्लूरल, यानी कि अगर जेंडर डिफरेंट है और दोनों ही नाउन हमारे सिंगुलर हैं और आइदर और नाइदर नॉर से भी जुड़े हैं, तब भी हमारा प्रोनाउन प्लूरल नंबर में आएगा, सिंगुलर नंबर में नहीं आएगा अगर जेंडर डिफर हो तो। जैसे कि लिखा है राम सीता, राम हमारा मैस्कुलाइन, सीता हमारा फेमिनाइन जेंडर हो गया, नाइदर नॉर से जुड़ा जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ हिज का प्रयोग नहीं होगा, गलत माना जाएगा ये सेंटेंस, सेंटेंस हमारा सही होगा नाइदर राम नॉर सीता हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, तो ये सेंटेंस हमारा गलत और ये सेंटेंस हमारा सही। अब आता है आपका रूल नंबर 6, व्हेन टू नाउंस ऑफ डिफरेंट नंबर्स आर जॉइंड बाय और नॉर Either or, neither nor, pronoun is used in plural. इससे जस्ट पहले वाला मैंने रूल बताया था कि जब दो सिंगुलर नाउन और नॉर आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो उनके लिए प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में आएगा, लेकिन इस रूल में क्या है कि जब दो नाउन्स, लेकिन वे दोनों नाउन्स कैसे हों, अलग अलग नंबर्स, यानी कि एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन,
और नॉर आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ा गया हो तो उस स्थिति में उनके लिए प्रोनाउन काय में जाएगा, आपका प्लूरल नंबर में जाएगा। जैसे कि लिखा है नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, तो नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क सेंटेंस सही होगा, हिज वर्क गलत होगा, क्योंकि राम और हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या हो गया हमारा प्लूरल नाउन, राम क्या हुआ हमारा सिंगुलर नाउन, काय से जुड़ा है नाइदर नॉर से, तो दो डिफरेंट नंबर्स के नाउन हो गए, राम सिंगुलर है फ्रेंड्स प्लूरल है, इसलिए इस वाक्य में प्रोनाउन काय में जाएगा प्लूरल नंबर में, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है और ये सेंटेंस हमारा सही है। एक नोट और हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब दो अलग अलग नंबर्स के नाउन आपस में जोड़कर लिखे हो और नॉट आइदर और नाइदर नॉट से, तो हमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो हमारा प्लूरल नाउन होता है वो बाद में जाता है, यानी कि वर्ब के बाद, और इसीलिए उस वाक्य की वर्ब जो है, तो सेंटेंस की वर्ब जो है वो भी उस प्लूरल नाउन के अनुसार ही यूज की जाती है, क्योंकि इस सेंटेंस में फ्रेंड्स आया है और फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही हमें हैव लगाना पड़ेगा। अब आता है रूल नंबर 7, दोस प्रोनाउंस विच शो कलेक्टिव नाउंस, यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जो कि कलेक्टिव नाउन को शो करते हैं उनके लिए प्रोनाउन काय में जाता है सिंगुलर नंबर में। जैसे कि लिखा है मैंने क्लास, क्लास क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन, मैंने आपको नाउन के सभी वीडियोस दिए हैं, विस्तार से मैंने समझाया है कि जहां ये ज्ञात हो कि संख्या अधिक है, एक से अधिक एकत्र लोग हैं, तो वह कलेक्टिव नाउन में आता है। तो क्लास, कई स्टूडेंट्स मिलकर क्लास का निर्माण करते हैं, तो क्लास शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर, तो क्लास जो है वो देयर नहीं आएगा बल्कि काय का प्रयोग होगा, इट्स का, क्योंकि क्लास से ये क्लियर नहीं है कि ये मैस्कुलाइन है फेमिनाइन है, नहीं है, ठीक है ना, ये इसलिए हमें इट्स का प्रयोग सेंटेंस में करना पड़ा और ये सेंटेंस हमारा गलत है और ये सेंटेंस हमारा सही है। आपका रूल नंबर 8 लिखा है दोस प्रोनाउंस विच शो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड इज यूज्ड इन प्लूरल, यानी कि ऐसे नाउन जो कि यह व्यक्त करते हो, या ऐसे प्रोनाउन जो कि यह व्यक्त करते हो कि जिसमें अनेक व्यक्तियों के होने का आभास हो, जिसमें अनेक व्यक्तियों के होने का आभास हो, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का मतलब है जिसमें अनेक व्यक्तियों के होने का आभास हो, उनके लिए प्रोनाउन जो है वो काय में जाएगा प्लूरल नंबर में प्रयोग किया जाएगा। जैसे लिखा है द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, अब ज्यूरी आपका नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, अब आप से अगर पूछ लिया जाए कि सेंटेंस में आप पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये कैसे पता लगा कि ज्यूरी जो है वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में यूज किया जा रहा है, हो सकता है वो आपको और कंफ्यूज करने के लिए वर की जगह वॉज कर दे, भाई वो कहे द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, आप बताइए सेंटेंस में आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहां तो आप कह सकते हैं सर वर लिखा हुआ है और वर क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ आता है तो नेचुरल सी बात नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया, ये इसमें एक से अधिक व्यक्ति है, लेकिन यदि हम वॉज हो तो आप कैसे पहचानेंगे, तो इसमें एक ऐसा शब्द दिया है जो कि आपको हेल्प कर सकता है कि इसमें नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है और वो शब्द है आपका डिवाइडेड, भाई कोई चीज आप जब आपस में बटी होगी तो वो एक के बीच में तो नहीं बटी होगी, मोर देन वन होंगे और मोर देन वन का मतलब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया, तो इसलिए इस वाक्य में इट्स का प्रयोग ना करके आप काय का प्रयोग करेंगे देयर का प्रयोग करेंगे, तो ये छोटी छोटी बातें हैं और आपको विशेष ध्यान से पढ़नी है, ध्यान रखनी है जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें। नेक्स्ट रूल आपका आता है व्हेन ए प्रोनाउन इज जॉइंड विद ए नाउन और प्रोनाउन देन दे यूज्ड इन सेम केस, बड़ी अच्छी बात सुनिए क्या है, जब किसी प्रोनाउन को किसी नाउन या अन्य प्रोनाउन के साथ जोड़ा जाता है तो जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ दूसरे प्रोनाउन को हमने जोड़ा उसका जो केस है तो जो प्रोनाउन उसके साथ जुड़ेगा उसका भी वही केस आपको यूज करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपने नॉमिनेटिव केस के साथ कोई प्रोनाउन जोड़ा तो दूसरा प्रोनाउन भी नॉमिनेटिव केस में आएगा, अगर आपने ऑब्जेक्टिव केस के साथ कोई दूसरा प्रोनाउन जोड़ा तो वह ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, अगर कोई प्रोनाउन आपने पोजेसिव केस के रूप में जोड़ा तो वो पोजेसिव केस में आएगा। जैसे कि लिखा है शीला एंड मी आर बेस्ट फ्रेंड्स, अब शीला जो नाउन है वो कौन सा हमारा हो गया यहाँ
नॉमिनेटिव केस के रूप में, और इसमें एंड लगा का जब एंड यानी कंजक्शन, कंजक्शन का काम क्या है जोड़ना, तो जब एंड से हम जोड़ रहे हैं तो हमने लगा दिया मी, तो भैया शीला जब नॉमिनेटिव केस है तो मी का भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉमिनेटिव केस लगाना पड़ेगा, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, मी नहीं आएगा, सही आएगा मी का नॉमिनेटिव केस आई, तो शीला एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब आता है आपका रूल नंबर 10, इफ द पर्सनल प्रोनाउन इज इन द इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड प्रपोजिशन देन द पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। मतलब यदि पर्सनल प्रोनाउन किसी वर्ब या किसी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा हो तो उस वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि शी शुड नॉट डिपेंड ऑन आई, मैंने ये लिखा सेंटेंस। अब मैंने कहा काय का ऑब्जेक्ट, वर्ब का या प्रपोजिशन का। अब आप देख रहे हैं आई से पहले ऑन लगा है और ऑन हमारा क्या है, प्रपोजिशन है, तो इसलिए चूंकि इससे जस्ट पहले ऑन आया है इसलिए हम इस सेंटेंस में आई का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आई हमारा नॉमिनेटिव केस होगा, हम काय का करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा मी, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत और ये सेंटेंस आपका सही। नेक्स्ट रूल आता है देन एंड एज। आपको पता होगा देन और एज दोनों कंजक्शन होते हैं, तो देन और एज ऐसे कंजक्शन होते हैं जिनके बाद पर्सनल प्रोनाउन यदि आता है तो उसका केस वही होता है जो कि वाक्य के आरंभ में था। अब हम सब जानते हैं कि वाक्य के आरंभ में क्या होता है, नॉमिनेटिव केस, तो कहने का तात्पर्य देन और एज के बाद प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस यूज होता है, ऑब्जेक्टिव या पजेसिव केस नहीं। जैसे कि रोहित इज एज टॉल एज मी, तो रोहित भैया क्या है हमारा नॉमिनेटिव केस, और एज के बाद हमने लगा दिया मी, तो चूंकि रोहित हमारा नॉमिनेटिव केस है इसलिए मी का भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉमिनेटिव केस यानी कि आई, तो ये सेंटेंस हमारा गलत और ये सेंटेंस हमारा ठीक। दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा है ही लाइक्स यू मोर देन मी। अब ही लाइक्स यू मोर देन मी, इस वाक्य में क्या कंजक्शन आया, सॉरी हाँ क्या कंजक्शन आया आपका, देन। जब देन आया है तो देन के बाद भी मी नहीं आ सकता, बल्कि क्या आएगा, आई आएगा नॉमिनेटिव केस, क्योंकि ही किस केस में लिखा है, नॉमिनेटिव में, तो आई भी हमारा काय में जाएगा, नॉमिनेटिव केस के रूप में। तो पहला सेंटेंस आपका गलत और दूसरा सेंटेंस आपका सही। अब आया नेक्स्ट रूल आपका रूल नंबर 12, इफ द पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड एज द कॉम्प्लीमेंट टू बी ऑफ टू बी वर्ब प्रोनाउन यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। यानी कि यदि किसी बात में कोई पर्सनल प्रोनाउन हमारा टू बी वर्ब का पूरक के रूप में यूज हो रहा हो, कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा हो, तो उस कंडीशन में प्रोनाउन उस सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज किया जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, Who is there? पूछा जा रहा है वहां कौन है, आंसर आया इट इज मी, मैं हूं। अब यहां इज जो है वह हमारा क्या है, टू बी वर्ब। अब टू बी वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हमारा ये प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो रहा है टू बी वर्ब के, इसलिए इस वाक्य में मी का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के रूप में नहीं होगा, बल्कि मी की जगह नॉमिनेटिव केस यानी कि आई का प्रयोग होगा। तो हु इज देयर, वहां कौन है, इट इज मैं, इट इज आई, मैं, ठीक। तो ये सेंटेंस हमारा गलत, ये सेंटेंस हमारा सही। अब आता है आपका आज के वीडियो का लास्ट रूल पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन पर्सन पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन ए सेंटेंस देन देयर ऑर्डर शुड बी ऑफ सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन। यानी कि यदि किसी एक वाक्य में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन तीनों ही प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन का यूज किसी एक ही सेंटेंस में हो जाए, तो आप उस वाक्य को सही करते समय उसका क्रम जो है, उसका ऑर्डर जो है, वो रखेंगे सबसे पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन को,
उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन को, और लास्ट में आपका आएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने लिखा है ही आई एंड यू आर गोइंग टू प्ले, ही हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन, आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और यू जो है वो हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब हम इसको सही जब किए तो सबसे पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी यू, उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी कि ही, उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी कि आई, तो सेंटेंस हुआ यू ही एंड आई आर गोइंग टू प्ले। तो ये सेंटेंस हमारा सही हुआ। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स हो सकते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में दिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, साथ ही साथ आपके लिए बहुत ही लाभकारी भी रहेगा, क्योंकि प्रोनाउन में सबसे ज़्यादा अगर एरर्स पूछे जाते हैं तो वो टॉपिक होता है पर्सनल प्रोनाउन। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, और जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत बहुत